गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पिछले कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी, थोड़ा लो फील हो रहा था गर्मी की वजह से। 3-4 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी, इसलिए एकदम रिलैक्स सेक्शन में चली गई थी और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो 3-4 दिन हो चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ ब्लॉग शूट करते हैं। आखिर आप लोगों को भी तो अपडेट करना पड़ता है कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए आज बहुत ही मुश्किल से सोचा कि नहीं, आज तो एक ब्लॉग शूट करना बनता है अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो मैंने इसीलिए अभी अपना एक ब्लॉग शूट करने के लिए मोबाइल उठाया है, देखती हूँ मैं क्या शूट कर पाती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत है और मुझे गर्मी से सख्त एलर्जी है, और गर्मी स्टार्ट हुई नहीं कि बस मेरा बीपी लो हो चुका था। मैं 3-4 दिन तक बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में थी, मैं आपको बता नहीं सकती। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं होपफुली आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और मैं अभी अच्छी ही रहूं। आप लोग भी गर्मी से बच के रहिएगा और बहुत ज़्यादा लिक्विड अपने डाइट में शामिल कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। फ़िलहाल पटना में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और आपके यहाँ क्या हाल है मुझे बताइएगा, और गर्मी से बच के रहिएगा। तो फिर देखती हूँ आज का दिन कैसे बीतता है, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हे यू गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं वापस आ गई हूँ। आपने मुझे देख ही लिया होगा कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ, आज मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और चाय लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा लो फील कर रही थी तो मैंने सोचा उनका नाश्ता ही आज लिया, ब्रेड और चाय। और अभी मैं अपना दूध गर्म कर रही हूँ बच्चे के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मेरा हो गया है ब्रंच टाइम, तो मैं ब्रंच में लेने जा रही हूँ भर भर के फ्रूट्स। जी हाँ, और मैं फ्रूट्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी गर्मी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ फ्रूट्स लिया जाए। और गर्मी के सीज़न में फ्रूट्स लेना ज़रूरी भी होता है, ये सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग होते होंगे जो फ्रूट्स नहीं ले पाते होंगे, नहीं खरीद पाते होंगे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। उस तकलीफ़ को मैं भी समझती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नींबू तो खरीद ही सकते हैं, आई थिंक 10 रुपये में 5 नींबू आ ही जाते हैं आजकल। तो आप नींबू लीजिए और उसको पानी में डाल के कम से कम हर दिन 2 ग्लास नींबू का पानी पीजिए, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी मिल जाते हैं हमें नींबू से, और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं होता है, और सेहत के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप फ्रूट्स खरीद सकते हैं और फ्रूट्स खा सकते हैं तो भर भर के सीजन फ्रूट्स खाइए गर्मी के दिनों में, क्योंकि विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है। और गर्मी के सीज़न में फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और अगर नहीं तो जैसे कि मैंने बताया सेहत भी अच्छी रहेगी और खर्चा भी नहीं होगा। तो आप नींबू को भी पानी में डाल के पी सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मैं अभी अपना लंच कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी बज गए हैं शाम के 5:30 मे बी, और मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। मैंने ब्रंच के बाद कुछ भी सूप नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। जैसा कि आपको पता ही था कि कुछ दिनों से मैं बहुत लो फील कर रही थी, इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थोड़ा थक जा रही हूँ अभी वीकनेस है। तो मैं इसलिए रेस्ट करने चली गई, सो गई, और अभी शाम हुआ है तो सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा मार्केट चलते हैं, देखते हैं क्या करवाती हूँ आप लोगों के लिए, क्या खरीदती हूँ। तो चलिए फिर मेरे साथ। अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में, जो मेरे घर के नज़दीक ही है, गांधी मैदान के पास में है, ज्ञान भवन के ठीक सामने में ये पार्क है। और बेटा बोल रहा था कि उसे पार्क में जाना है, पार्क में ले चलिए। तो मैंने बोला चल भाई, वही पहले घूम ले, उसके बाद फिर मैं मार्केट निकलूँगी। तो मैं उसको अभी पार्क में लेके आई हुई हूँ और वो फुल एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। वो जो स्लाइडिंग होता है ना ऐसे नीचे आने वाला, उस पर वो खेल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ पार्क, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है बट काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, खेल रहे हैं, तो आप भी देखिए। चलो चलो चलो, आओ अंदर आओ। ये चलो, अब किस साइड से निकलोगे? इधर से निकलो, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, हाँ इधर से निकलो, इधर से, ये सामने, हाँ इधर से आओ, हाँ आओ।
इसके वो इसको इन सब चीज़ों में बहुत मस्ती आती है। देखिए जितनी शैतान वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करने में इसे बहुत मज़ा आता है। क्या हुआ, नहीं आ पा रहे हो? रुको, आओ इधर आओ, हाथ दो, हाँ ऊपर से, ऊपर से निकालो ना, ये ऊपर से निकालो, हाँ ऐसे, हाँ अब वो वाला भी, हाँ उधर उधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ, हाँ अब उतरो। सभी लड़के खेल रहे हैं वैसे यहाँ पे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, शाम का टाइम है, अच्छे से मेंटेन किया है। मैं भी खुद पहली बार आई हुई हूँ यहाँ पे, मैं भी आज तक कभी विजिट नहीं की हूँ इस पर, अच्छा है वैसे, छोटा सा है। चढ़ो चढ़ो, हाँ 1 2 3 4 गो, हाँ ये, अरे मिकी माउस पे चलना है ना, हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ चलते हैं हम लोग। में तो इस छोटे साहबजादे का क्यों, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। तो बोलो कि मजा आ रहा है, इतना शर्मा रहा है जबकि ये बिल्कुल भी शर्मीला नहीं है, बहुत ज्यादा शैतान है। इसको अभी जीप की सवारी करनी है। कैसा लग रहा है? ओ हीरो, सुन भी नहीं रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? स्माइल देख रहे हैं इसके फेस पे, और क्या चाहिए हम लोगों को, बस बच्चे खुश रहें, यही सबसे बड़ी खुशी है। और यहाँ पे झूला किसी के साथ शेयर करते हुए मेरा बेटा इसलिए एकदम शांति से बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पे, चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह झूला झूल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इसका वेट इतना ज़्यादा कम है कि सामने वाले बच्चे के पेरेंट्स झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हवा में फिर भी लटका हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, ऐसे ही होते हैं बच्चे और क्या। यहाँ पे बोट की भी बहुत अच्छी सुविधा दी हुई थी छोटे बच्चों के लिए, बट मेरा बेटा अभी छोटा था, वो बोटिंग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नहीं किया, बच्चे कर रहे हैं। और अभी मैं पार्क से निकल चुकी हूँ, अभी मैं मार्केट के लिए जा रही हूँ, तो फिर चलिए चलते हैं। और ये देखिए पार्क से निकलने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मतलब मन ख़राब हो गया, ट्रैफिक में फंसे रह गए हमने बहुत देर। और मैं पहुंच गई हूँ शॉप पे जहाँ मुझे जाना था, एक्चुअली मुझे एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी थी, तो वही लेने के लिए मैं आई हुई थी यहाँ पे बाहर। तो ये देखिए ये बर्तन का शोरूम है, और ये कंकड़बाग रोड पे है, एकदम मेन रोड पे ही है। तो मैंने बोला कि चलो भाई एक कढ़ाई ले लिया जाए, तो ये कढ़ाई दिखा रहे हैं, साइज़ कौन सा थी, हमने देखा कढ़ाई, फिर हमें अचानक से याद आया कि नॉनस्टिक कढ़ाई के साथ साथ इंडक्शन वाला ले लेते हैं ताकि वो गैस और इंडक्शन दोनों पे ही यूज़ हो जाए, फिर हमने ये लिया जो इंडक्शन और गैस दोनों पे ही काम चल जाएगा, इस साइज़ का हमने लिया। तो ये रहा हमारा कढ़ाई, और ये देखिए हमारा महावीर मंदिर रात में कितना अच्छा जगमग कर रहा है, और साथ में हमारा भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसे देखते ही प्राउड मोमेंट आ जाता है। इसके बाद हमने मार्केट से कुछ फ्रूट्स लिए, क्योंकि फ्रूट्स हमें लेने थे, तो हम मार्केट में फ्रूट्स लेने रुक गए, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रूट्स। और सुना आपने इसकी आवाज़, फ़ोटो खींच रहे हैं क्या, मोबाइल उठाए नहीं कि इसका सारा ध्यान मोबाइल पर आ जाता है, पढ़ाई लिखाई सब बंद,
ये पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोचा चुपके से थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ कि आप लोग भी देखें कि मेरा बेटा पढ़ाई भी करता है शैतानी के साथ साथ। तो इसका तो ध्यान डायरेक्ट मोबाइल पे चला गया और उसके बाद इसने पूछने लगा, आप मेरा फ़ोटो खींच रहे हैं क्या? क्या बोलूँ मैं। मॉर्निंग यू गाइस, होप यू आर डूइंग वेल, और मैं बहुत ठीक हूँ। कल रात मैंने और कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे आते आते, और मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ अभी गोला रोटी, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं। मैंने एक्चुअली इसका शॉर्ट वीडियो शूट किया है, वो मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा मैंने कैसे बनाया है। मैं तो इसे गोला रोटी ही बोलती हूँ, रोटी का एक न्यू वर्जन है, आटा से ही बनता है, तो बस गोला रोटी बोलती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग इसे बनाते हैं कि नहीं, और बनाते हैं तो क्या बोलते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो शूट किया है, तो आप बाकी की रेसिपी उस पर देख लीजिएगा। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, ये नाश्ता हबी और बच्चे के लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में आज फ्रूट्स खाने वाली हूँ, तो मैं फटाफट नाश्ता बना के उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ओके। और ये देखिए, ये मेरे बच्चे के लिए छोटू सा गोला रोटी बना रही हूँ। ये भाई टेढ़ा ना बन जाना, थोड़ा अच्छे से बनना, ये तो बोलेगा मम्मा मेरे लिए मन से नहीं बना रही थी। वो छोटा है तो उसके लिए थोड़ा छोटा, एक्चुअली बच्चों को छोटे छोटे चीज़ें देखने में भी अच्छा लगता है और उन्हें पसंद भी आता है, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए एक पीस मैंने छोटा बनाया है, अगर उसका कहीं मन कर दिया एक और खाने का तो इसलिए दो पीस। कभी कभी थोड़ा हटके भी नाश्ता करना ही चाहिए, है कि नहीं? आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे, रोज़ रोटी पराठा ब्रेड ऑमलेट खा खा के तो थक ही जाता होगा आदमी, तो थोड़ा हटके। और अभी आम का सीज़न आने वाला है, तो आम की जो खट्टी मीठी जो चटनी बनती है, जिसको अब बिहारी में खटमिठिया बोलते हैं, मेरे इधर तो खटमिठिया ही बोलते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग उधर क्या बोलते हैं, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खटमिठिया के साथ ये गोला रोटी खाने में, क्योंकि इसमें नमक और अनियन हरी मिर्च सब डला रहता है, वो मीठा और खट्टा लगता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइए आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। और ये मेरे बेटे का छोटा सा मिनी सा क्यूट सा गोला रोटी रेडी हो चुका है। हे गाइस, मैं सुबह के बाद कुछ सूट नहीं की, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और अभी है लंच टाइम, और अभी मैं अपने लिए ये फ्रूट्स कट किया है मैंने, तो मैं फ्रूट्स खाऊंगी, और मेरे साथ मेरे छोटे से अफजादे भी हैं, तो ये अभी छुप रहे हैं, और हम दोनों अभी अपने लंच में फ्रूट्स को फिनिश करेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून यू गाइस, मैं सो गई थी, मैं ब्लॉग को एंड करना वहीं भूल चुकी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं ब्लॉग को एंडिंग दे दिया जाए, तो मैं इस ब्लॉग को यही एंडिंग ब्लॉग एंड तो मैं इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको मेरा छोटू सा ब्लॉग पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।